की बड़ी खबर मिल रही है बीकानेर के कोलाई से। इस वक्त बड़ी खबर है, अंबेडकर की मूर्ति को जलाने की कोशिश की गई है बीकानेर के कोलाई से। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबेडकर की मूर्ति को जलाने की कोशिश। मूर्ति के नीचे देर रात आग लगाई गई। थानाधिकारी विकास बिश्नोई मौके पर पहुंचे हुए हैं, हालात का जायजा वो ले रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार जो सीसीटीवी कैमराज है वो खंगाल रही है। आसपास जो लगे हुए हैं उसके आधार पर पुलिस का दावा है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, किस मंशा से ये किया गया, इसको लेकर कई सवाल है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अभी तक कोई पता चला है क्या ऐसा क्यों किया गया, क्या मंशा, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, अभी जो है पुलिस मौके पर है, एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। ये कोलायत के अंबेडकर सर्कल की घटना है। यहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई है उसके नीचे आग लगाई गई। हालांकि पुलिस ने पहुंचने के बाद वहां पर सफाई भी करवाई है, मूर्ति को जो है धो दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। जिन भी समाज कंटकों ने इस घटना को अंजाम दिया, स्वाभाविक बात है इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो चीजें हैं आपसी मनमुटाव बढ़ता है, वैमनस्यता आती है। ऐसे में जो मौजूद लोग हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि तुरंत जो है पूरे मामले को खुलासा किया जाए, पता किया जाए। थानाधिकारी विकास बिश्नोई से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि आसपास जो सीसीटीवी है हम उन्हें खंगाल रहे हैं और जल्दी ही ऐसे समाज कंटकों को हम गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं ये ऐसी निंदनीय कोशिश की है। तो कुल मिलाकर देखिए, प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई है। वहां मौजूद समुदाय विशेष के लोग हैं, समाज विशेष के लोग हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा की है। और ये जो जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उन तक पहुंचने की फिराक में पुलिस लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।